चलिए तो हम लोग आज यहां से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो, रेशियन प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, लेकिन अभी बातें सिर्फ रेशियो का करेंगे, ठीक, फिर प्रोपोर्शनल का करेंगे बाद में, ठीक। तो यदि आप पूरे शांति पूर्वक पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ी गर्मी है, गर्मी होने के कारण बच्चे ज़्यादा हो गए, कारण गर्मी बढ़ गया है। तो आज मुखर्जी नगर में थोड़ा सा बैठने की दिक्कत ज़्यादा, चारों हॉल भरने के बाद भी गंभीर समस्या है, ठीक है ना, बैठने का। लेकिन आप टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना, अभी कोई उपाय नहीं हो सकता, ठीक है। यदि आप शांत रहेंगे तो शायद कुछ हो सकता है, हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। आइए रेशियो के बारे में हम लोग बातें करें। आखिर रेशियो होता क्या है, रेशियो है क्या? बचपन से हम लोग बोलते आते हैं रेशियो, जैसे हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखते हैं ए इज टू बी, ये अनुपात है। क्या ये अनुपात? ए इज टू बी है, ए अनुपात बी है, इसको ए अपॉन बी भी कह सकते हैं। ये रेशियो जो ऐसे लिखा है इसका मतलब ऐसा भी है, ए अपॉन बी है। ए इज टू बी का मतलब क्या है? ए अपॉन बी है। तो रेशियो का मतलब जो होता है वो डिवाइड ही है। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड। बस आज भर थोड़ा गर्मी झेलिएगा, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा हम सबको आराम से बैठाएंगे, जितना जगह है उतनी बैठाएंगे, लेकिन आज थोड़ा ओवर हो गया है। तो प्लीज़ शांतिपूर्वक, कोई उपाय नहीं है, पढ़ना हम लोग को है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट करेंगे आराम आराम से। ये बंद क्या कर दिया? चालू कर दे जरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो के बारे में, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा आज माहौल चेंज है, लेकिन आराम से सुनिएगा, ठीक। रेशियो का मतलब डिवाइड, रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड। इसको पढ़ते हैं ए अनुपात बी, ए इज टू बी, क्या लिखा है ये? ए इज टू बी, ए अनुपात बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ए इज टू बी का मतलब ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी बोलते हैं ना, ए बटा में बी, तो ए बटा बी को ही ए इज टू बी कहा जाता है, ठीक है ना। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले आपको हम 5 मिनट कुछ बेसिक बातें सिखाएंगे, 5-6 मिनट ऐसे बेसिक बातें जो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्ट रूप से नहीं आता है, लेकिन उसका यूज काफी होता है, मतलब उसके बिना आप रेशियो को समझ ही नहीं सकते। तो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस काफी होता है बेसिक बातों का। तो आज जो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक बातें, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और आज जो भी बताने जा रहा हूं मैं आपको कुछ देर तक, वही इतनी बेसिक बात बताऊंगा कि मेरे हिसाब से बैठे हुए मैक्सिमम लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी सुनिएगा, ठीक है ना, शांतिपूर्वक सुनिएगा, ठीक। थोड़ी सी गर्मी है और झेलिएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ए इज टू बी रेशियो जो है, इसे लिखा देखे होंगे कहीं पर 3:2, क्या लिखा देखे, 3:2, जैसे कहा ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, 3:2 है। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? सबसे सरलतम रूप होता है, मतलब जितना इसमें कट छट के बचा, जैसे ये 60 रुपया था और ये 40 रुपया था, 60 और 40 को मैंने काटा, 0 से 0 कट गया, 3 2 6, 2 2 4, काट छाट के करने के बाद जो सबसे लास्ट में बच गया, काट छाट करने के बाद जो फाइनली बच गया, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में जो बच गया वही रेशियो हो गया, ठीक है। तो रेशियो मतलब डिवाइड तो होता ही है, लेकिन रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सरलतम रूप में। मतलब रेशियो में
जब किसी संख्याओं का रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालने के दरमियान सब में कुछ ना कुछ कट जाता है। रेशियो निकालने के दरमियान क्या होता है, सब में कुछ ना कुछ, दोनों में सेम नंबर, ए में भी, बी में भी, सी में भी, जितना भी रहेगा ना, सब में कटेगा बराबर नंबर, सभी में कटेगा सेम। ध्यान सुनना जरा, आगे जरा फटाफट तेजी में, ठीक है ना। तो सब में जो है एक ही नंबर कटता है, सब में बराबर नंबर कटता है, और जितना कट सके काट छाट करने के बाद जो फाइनल लिखा जाता है वही उसका रेशियो है। तो रेशियो हमेशा संख्याओं का, नंबर का, शेयर का, कुछ भी हो, उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सरलतम रूप होता है। मेरे बात समझ में आ रहा सबको ना? तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है, सरलतम रूप होता है, और रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड। हम लोग बचपन की बातें बता रहे हैं आपको, क्योंकि भी यहाँ पर बैठे हुए ऐसे कोई लोग ना हो जो किसी से कम में रह जाए कि एक को आता है बहुत, एक को कुछ नहीं आता है। इसलिए मुझे हर बेसिक बातें बताना पड़ता है कि सब बराबर हो जाए, जिसे दौड़ में सब एक साथ भाग ले, ठीक है ना। तो प्लीज यहां देखें, ए इज टू बी का जो रेशियो है, ध्यान सुनेंगे भाई साहब, 3:2 है। मुझे कहा गया कि 1,000 रुपये की कोई राशि है, ध्यान सुनेंगे, 1,000, 1,000 रुपये की राशि है। तो 1,000 रुपये की राशि को ए और बी में बांटना है। ए और बी में कैसे बांटना है, इस रेशियो बांटना है कि इनका शेयर का जो रेशियो हो वो 3:2 हो, इनके जो हिस्सा है, इनका जो शेयर है उसका रेशियो कितना हो जाए, 3:2 हो जाए, इनके हिस्से का अनुपात 3:2 हो जाए। तो 1,000 रुपये को ऐसा बांटना है कि इनका शेयर का रेशियो क्या हो जाए, 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। यदि हमसे पूछे, आराम से सुनिए मेरे बात को, ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, हमने कहा कि यदि हमको ए का हिस्सा निकालना है, यदि हमें ए का शेयर निकालना है, तो जिसका शेयर निकालना है इसे दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक एक बातें आपको मैं समझाऊंगा, ये बकवास बातें हैं, फिर भी सुनिएगा जरूर, ठीक है। हमें कहा ए का हिस्सा निकालना है तो ए का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, यदि ए का हिस्सा निकालना है तो ए का वैल्यू कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 3 और 2 5। ए का हिस्सा निकालना है तो ए का वैल्यू कहां लिखेंगे, ऊपर, और नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 3 और 2 5। मेरे बात समझ में आ रहा है ना, ये 3 है, ये 2 है, नीचे दोनों को हमेशा जोड़ के ही लिखेंगे, ठीक। इनटू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, 1,000, तो कितना, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6। यदि ए का हिस्सा निकालना होगा तो ए का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इनटू टोटल अमाउंट काट दिया तो कितना आ गया, 600। यदि हम बी का शेयर निकालना है, बी का हिस्सा निकालना, तो यदि 1,000 में से तो माइनस कर लो, या सिर्फ बी का ही निकालना होता तो ऊपर में बी का वैल्यू 2 लिखता, नीचे बी है, नीचे ऊपर में क्या लिखता, बी का शेयर निकालना है तो ऊपर में बी का वैल्यू लिखता और नीचे दोनों को जोड़कर 3 और 2, नीचे दोनों को जोड़ के ही लिखता, 3 और 2, नीचे हमेशा सम ही लिखा जाता है। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं, ज्यादा भीड़ हो गया क्या, तो चला दीजिए ऐप पर, बाहर बच्चे बहुत हैं तो ऐप पर भी चला देता हूं, क्या करूं, बस एक दिन चलेगा, ज्यादा नहीं, देखो ध्यान से, चलिए ठीक है, जिसको देखना है पर देखो, चला दो है पर भाई, वेरी गुड, शांतिपूर्वक, चलिए ओके कर दिए, 2 मिनट भाई साहब, इसको ऐप पर भी चला दिया जा रहा है, आज की भीड़ को देखते हुए, क्योंकि सारे हॉल भरने के बाद बाहर बच्चे आवाज लगा रहे हैं हमें भी क्लास लिए, देखो भाई साहब चुप रहो, यहाँ देखो भाई साहब नजर लगा रहा है, टच यू, चलिए ठीक है, सब लोग तैयार हैं, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा चीजों पर, ठीक है ना, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई समस्या नहीं आएगा, ये वादा है मेरा, है भाई साहब, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। और बस आप ईमानदारी से कॉन्सेंट्रेट सिर्फ पढ़ने पे, कि दुनिया जहान सब कुछ भूल जाइए, आप ये सोचिए मैं भी आपके साथ ही हूँ, मुझे भी वही फीलिंग हो रही जो आपको हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरे पढ़ाने में वो गर्मी कहीं दिख ही नहीं रहा है, वो तो बाहरी प्रभाव है, ये क्या है, बाहरी प्रभाव है,
आंतरिक मन तो बिल्कुल शांत है, कोमल है, नहीं समझा, उसे शांत रखें, ठीक है। देखिए गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप जैसे पहले सुनते होंगे संत महात्मा जो होते थे, वो बर्फ जमा होता था चारों तरफ और वो तपस्या करते थे ये धोती और गमछी पहनकर, है कि नहीं भाई साहब। आप उन वो क्या करते थे कि एक धोती पहन के इतनी ठंड में इतनी गर्मी में कैसे रहते थे। आत्मशक्ति, हमारे अंदर की शक्ति बाहर की शक्ति ज्यादा मजबूत होगा तो नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आज हम लोग झेलते हैं, प्लीज। हो गया भाई, बटन दबा रहे हैं, दो मिनट, ऐप पर भी कर दे रहा हूं, जिसे घर बैठ के आज भर देख लेना, कल से व्यवस्था करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ यदि आप शांत नहीं रहेंगे तो आपका मन अशांत रहेगा, ध्यान रखिए, आप शांत रहिए तो मन भी शांत रहेगा, ठीक, ओके बंधु। भाई साहब नौटंकी वाले भाई लोग को तो हम बाहर कर देते हैं, मालूम है ना, शांतिपूर्वक पढ़िएगा, हो गया ना, ओके। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा कुछ समझाया था लेकिन हल्का सा इसको रिपीट कर देता हूं। रेशियो जो है, रेशियो का मतलब ये, देखे ए इज टू बी लिखा है, इसका मतलब डिवाइड होता है, ए डिवाइड बाई बी, इसका मतलब ए डिवाइड बाई क्या है, बी है। मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ पांच मिनट बेसिक बातें समझाऊंगा मैं, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक। मैंने कहा कि 1000 रुपए की राशि, पहले बेसिक बातें 10 मिनट सुनिएगा आराम आराम से। मैंने कहा 1000 रुपए की राशि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में बांटना है, तो कैसे बांटना है, इन द रेशियो 3:2, 3:2 के रेशियो बांटना, कैसे बांटना है, 3:2 के रेशियो बांटना, ठीक। तो बांट दिया 3:2 को, तो एक का हिस्सा निकालना होगा, तो एक का वैल्यू ऊपर लिखना, नीचे दोनों को जोड़ के लिखना, इनटू टोटल अमाउंट, तो यहां भाग दो, कितना हो गया, 20, 25, 100, ऐसे होता कट गया ना, 600 रुपया। यदि बी का हिस्सा निकालना है तो बी का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इनटू टोटल अमाउंट, टोटल कितना है 1000, तो कितना आ गया से 400। यदि हमसे पूछे ए और बी का डिफरेंस निकालो, क्या निकालो, ए और बी के शेयर का अंतर निकालो, तो सुनो इसमें ए और बी में कितने के अंतर हैं, ए और बी में एक का अंतर तो है एक लिखो, ए और बी में कितने के अंतर हैं, तो ऊपर क्या लिखेंगे एक, नीचे दोनों को जोड़ के लिखो 5, अंतर एक का है तो एक लिखो, दोनों को जोड़ के लिखो, ठीक। और हमेशा इनटू टोटल ही करो, क्या करो, टोटल, कितना आ गया 200। कहने का मतलब यह है कि आपको जो निकालना है वो लिखना पड़ेगा, यदि ए का शेयर निकालना है ए का वैल्यू ऊपर, बी का निकालना है तो बी का ऊपर, डिफरेंस निकालना है डिफरेंस लिखिए, किसी का सम निकालना है तो उसका सम लिखिए, जो निकालना है उसको ऊपर लिखिए, नीचे रेशियो का सम इनटू टोटल। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है, ओके। एक तो हम ऐसे बनाना सीखें, दूसरी बात है हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे लिखना कम करना शुरू करेंगे, आएगा सबको बहुत मजा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए रेशियो जो है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो जो है काट छाड़ के उसका छोटा छोटा रूप में लिखा जाता है। रेशियो क्या होता है, काट छाड़ के उनके छोटे छोटे रूप को व्यक्त किया जाता है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कहने का मतलब ये रेशियो मतलब इशारे इशारे में बात करना। हमने कहा ए को 3 रुपया मिलेगा, बी कहेगा तो हमको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा, ये इशारे में बात करेगा, ए लेके आना 3 रुपया, मेरे बात को ध्यान सुनना, बी कहेगा मैं 2 लेके आऊंगा, ठीक। तो हमने कहा कि यहां पर ए और बी का टोटल शेयर कितना है, 5 है, 3 इसका 2 इसका, ए और बी का टोटल शेयर कितना है 5, समझ में आ रहा सबको, इसका 3 इसका 2, दोनों मिलाकर 5, और दोनों मिलाकर यहां 5 है जो किसके बराबर है,
जो 1000 के बराबर है. रियल में टोटल दिया है, शेयर ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज रुपीज गिवन 1000. ए और बी दोनों को मिलाकर कुल शेयर 1000 दिया है, ठीक. और यहां पर रेशियो में जो इशारे में बात करा, 13, 3, 2 है ना, दोनों मिलाकर 5, 5 बराबर, 5 बराबर. अभी बोले इन दोनों का अंतर निकालो, तो अंतर कितने का है, 1. हम बोलेंगे 1 बराबर, तो डायरेक्ट मारेंगे कि 200 रुपए का अंतर हो गया. मेरे बात समझ रहे ना, तो 1 बराबर 200, इशारे में बात कर रहा है, 1 का मतलब 200. हम करें 3 लेके आना, 1 मतलब 200, 3 मतलब 600. हम बोले 1 नोट तो 200 के बराबर है, 2 3 मतलब इसका शेयर 600, इसका शेयर 400 होगा. मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना, तो हम बहुत सारे जब चैप्टर में आएंगे ना तो हम एग्जांपल देंगे, ठीक है. अभी समझा रहा हूं कि ए और बी का शेयर 5 है, 5 किसके बराबर है, 1000 के बराबर. तो 1 बराबर कितना है, 200. तो 1 मतलब 200, तो 3 मतलब 600, 2 मतलब 400. तो ए का शेयर 600, बी का शेयर 400. कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ये कोई तकलीफ का चीज है, बच्चा वाला बात बता रहे हैं, ठीक है ना. देखो ध्यान से, अब यही कहा कि 500 रुपए की राशि है, कितना है, पहले मेरे बात ध्यान सुना, कुछ बेसिक बातें सिखा रहा हूं, उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक. 500 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटना है, 500 रुपए की राशि कहां बांटना है, ए बी सी में बांटना, ठीक. तो 500 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटना है, इन द रेशियो रिस्पेक्ट इज गिवेन 3:2:5. जो एबीसी का शेयर है, एबीसी का जो हिस्सा है, उसका रेशियो 3:2:5 है. एबीसी का शेयर का रेशियो क्या है, 3:2:5 है, 3, 2 और 5 है. समझ में आ रहा सबको. यदि हमसे पूछे भाई एक का हिस्सा निकालो, तो हम क्या लिखेंगे, 3 नीचे और इनटू. आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, एक का हिस्सा निकालना था, एक अभी कहां लिखेंगे, ऊपर नीचे तीनों को जोड़ के, ठीक, इनटू टोटल अमाउंट. टोटल कितना है, 500. तो एक का हिस्सा कितना आ गया, 50 + 150. समझ में आया. यदि हमसे पूछे ए और बी का शेयर का सम निकालो, ए और बी का योग निकालो, यदि हमसे पूछे कि ए और बी का योग निकालो, तो कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे, 3 और 2 और नीचे में टोटल 500. तो कितना हो गया, 250. तो ए और बी का ही शेयर का सम निकालने कहेगा, तो बोलेंगे 250 रुपया. क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं. यदि हमसे कहे ए और सी का डिफरेंस निकालो, ए और सी का अंतर निकालो, तो ए और सी में कितने का अंतर है, तो ऊपर 2 लिखो, नीचे टोटल लिखो, इनटू 500, 50 दुनी, तो ये आ गया दोनों का डिफरेंस. मेरे बात समझ में आ रहा बंधु, हमें जो निकालने कहेगा ऊपर में वही लिखेंगे, जो निकालने कहेगा ऊपर में वो लिखना. समझ में आया. यदि हमसे कहा बी और सी का शेयर का सम निकालो, बी और सी का, तो निकालो बी और सी का सम, यहां क्या लिखोगे, ऊपर 7 नीचे और इनटू 500, तो 7 × 5 = 35, 300. तो ऐसे करके 350 लिखेंगे. मेरे बात भाई साहब समझ में आया. तो ए का शेयर निकालने कहे तो ए का निकालेंगे, बी का शेयर निकालने कहा तो बी का निकालेंगे, सी का शेयर निकालने कहा तो सी का निकालेंगे, डिफरेंस निकालने कहा किसी का तो डिफरेंस निकालेंगे, सम निकालने कहे तो सम निकालेंगे, जो कहेगा सो निकाल देंगे, ठीक है. मेरे बात समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना भाई. देखिए ध्यान से फटाफट तेजी में, तो आप सभी समझ पा रहे हैं ना कि कैसे रेशियो में डिवाइड करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. समझ में आया, ओके, वेरी वेरी गुड. कृपया ध्यान दे, और बात नहीं, तैयार हैं सब लोग. बात ऐसा है कि पैसे का बंटवारा तभी करेंगे जब यदि ए बी सी तीन व्यक्ति है तो तीनों साथ में रहेगा तभी बंटवारा होगा, अदरवाइज. क्या मतलब, सिखाता हूं.
ए भाई साहब बंटवारा करते तो टेंशन मत लो, अभी तुमको निकालते हैं। यहां देखो, ए इज टू बी का रेशियो 3:2, बी इज टू सी इसका रेशियो कुछ भी दिया रहे 5:3। कहा कि, अब ध्यान सुनो, मैं बहुत तरह की बातें सिखाऊंगा। मैंने कहा कि बहुत लोग को आता भी होगा, लेकिन ध्यान सुनना प्लीज, सबको बराबर करने दो, उसके बाद चैप्टर में आएंगे प्लीज। जैसे कहा तीन भाई है ए बी सी, इसके बीच में पैसा बांटना है, ठीक, ऐसा बांटना है, ऐसा बांटना है, मेरे बात ध्यान सुनना, ऐसा बांटना है कि ए और बी का शेयर का रेशियो 3:2 हो, बी और सी के शेयर का रेशियो 5 और, ए और बी का शेयर का रेशियो 3:2 है, बी और सी का रेशियो कितना है 5 और 3 है। मेरे बात समझ में आया? वेरी वेरी गुड। देखिए ध्यान से, बात ऐसा है कि पैसे का बंटवारा करना है तो ऐसा मत करना कि ए का निकालना हो तो यहां से निकाल दिया, सी का निकालना है तो यहां से निकाल दिया, और बी का निकालना तो जहां से मन किया वहां से निकाल दिया, यहां से क्या बनते, यहां यहां से क्या, नहीं गलत हो जाएगा। कोर्ट जो है ऐसे मानत डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे बंटवारा को निरस्त कर देती है कि तीनों भाई का होना, यदि तीन भाई है ए बी सी तो तीनों भाई होगा तभी बंटवारा होगा, अदरवाइज, मेरे बात समझ में आ रहा है ना, तीनों भाई होगा तभी बंटवारा होगा, अदरवाइज बंटवारा नहीं होगा। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? यदि इन दोनों बंटवारा कर लिया और सी ना है, हाईकोर्ट सारी मान्यता को रद्द कर देगा, फिर से करो, है कि नहीं? यदि इन दोनों बंटवारा कर लिया, ए नहीं है भाई साहब, दोबारा बांटना पड़ेगा, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक, मतलब गलत है। तरीका सही ये है, तीनों साथ में रहे उसके बाद बांटेंगे, ठीक। तो इसका मतलब हम तभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं जब ए बी सी तीनों का कंबाइंड रेशियो होगा, तीनों भाई होंगे तभी बंटवारा हो सकता, समझ में आया? तो इसके लिए उल्टा एन क्या सिखाते हैं, उल्टा एन, ऐसे एन को उल्टा कर दिया, ठीक, ऐसे इसमें इससे गुना करो 15, इसमें गुना करो और इसमें गुना करो 15, 10, 6। तो ऐसे करके ए बी सी का जो शेयर है, ए बी सी का हिस्सा है, उसका रेशियो 15, 10 और 6 हो गया, 15, 10 और 6 हो गया, समझ में आया? तो ए बी सी का शेयर का रेशियो 15, 10 और 6 है। किसी को दिक्कत है बंधु, किसी को तकलीफ है भाई? एकदम नहीं, वेरी गुड। तो क्या पैसा बना सकते हैं? किसी को दिक्कत? एकदम नहीं। तो ए बी सी का शेयर का रेशियो ऐसे निकालेंगे, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो उल्टा करके इसमें इसे गुना करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे, इसमें गुना, ठीक है ना? हाँ, यदि सब कटे किसी कॉमन नंबर से तो काटना, इन कि ये कट रहा 5 से तो इनको काट दिया, नहीं ऐसे नहीं, तीनों कटना चाहिए, समझ में आया? तो ये उल्टा ये ना बना सकते हैं, जैसे एक अपने हाथों से बनाइए, फिर मैं बात करता हूं। एक मिनट, बांटने से पहले सावधान, लीजिए बांटिए। तीन चार छ, तीन चार, यस, वेरी वेरी गुड। हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, 3 दुनी 4 दुनी और 4 तिया, ये 6 है, ये 8 है, और ये 6 8 12, 6 8 6 8 12। लेकिन ये सभी 2 से कट रहे हैं, सभी कट रहे हैं, ठीक, काटो, 3 दुनी 4 दुनी 6 दुनी, सभी 2 से कट रहे हैं, तो सबको हम 2 से काट देंगे, यस और नो, यस, ठीक है ना? सभी सेम नंबर से कटना चाहिए, ठीक है, सब 2 से कट रहे हैं, 3 दुनी 4 दुनी 6 दुनी, समझ में आया? तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो काट छाट के बचता है वो रेशियो है, ठीक। अब ये जो काट छाट के बच गया ये हमारा रेशियो कहलाएगा, समझ में आया मेरे भाई? आप समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो क्या पैसा बना लेंगे? तो अभी हमने ए बी सी तीन को बांटा, अब इसमें 4 आएगा, ये समझ में आया? जो भी पैसा देगा बांट देंगे, बेमान तो नहीं करेंगे,
एकदम बेमानी नहीं, वेरी वेरी गुड। अब इसमें चार व्यक्ति आ जाए तो कैसे बांटेंगे, प्लीज ध्यान सुनिएगा। यहां देखिए, ये सबको आ गया था ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनिए, जैसे कि इसका एक तरीका यह है, लेकिन कोई फायदा ज्यादा नहीं है। बोलना जरा क्या था रेशियो, ये पहले जब मिटाया मैंने, 3:4 और 2:3। देखो एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे यहां 3:4 है, यहां ए और बी है ना, बी से खत्म हुआ तो बी से ही शुरू करो, किससे, बी यहां पर 2 है ना, यहां बी 4 है, ए बी, बी से खत्म तो बी से, बी से खत्म तो बी से, मेरे बात बंधु समझ पा रहे हैं ना, जिससे खत्म उसी से शुरू, जिससे खत्म, जैसे हाँ बी से खत्म तो बी से ही शुरू करेंगे, ठीक। अब देखो रेशियो निकालेंगे, अरे यहां तो खाली है, इसको पड़ोसी भरते हैं, कौन भरेंगे, पड़ोसी काम आते हैं मालूम, सबसे ज्यादा काम कौन आते हैं, पड़ोसी, इसे कौन भरेगा, इसका पड़ोसी, ये 2 है, ये 2 यहां आ जाएगा, और यहां खाली से कौन भरेगा, 4 भरेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6, 8, 12, ऐसे ही ना, तो 3, 4 और ये आया था ना उसमें भी, तो चलो ठीक है, फिलहाल 2 वाला तो ऐसे ही कर लेंगे, उल्टा एन वाला, ठीक, उल्टा एन ज्यादा अच्छा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को, ये समझ में आया, यहां ए बी लिखा तो बी से ही शुरू करेंगे, बी से शुरू करो, 2, 3, ये खाली है इससे ये भरेगा, ये खाली है इससे ये भरेगा, ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ, नो, वेरी वेरी गुड। अब मेरे बात ध्यान सुनना मेरे भाई, यहां देखो, यहां देखिए प्लीज, थोड़ी सी है लेकिन कोई बात नहीं, ए इज टू बी, 3:2, बी इज टू सी, आराम से भाई साहब, 2:3, सी इज टू डी, 1:2, ठीक। अभी आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कैसे निकाले, आराम आराम से, ठीक, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कैसे निकाले, ठीक। इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं, इसे 2 तरीके से, कैसे कैसे, प्लीज ध्यान देखिए, पूरा ध्यान इधर समझने पर, हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, पढ़ना, सब कुछ को छोड़ के यहां देखिए प्लीज, इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं, तैयार है सब लोग, देखिए यहां पर 3:2 है, क्या है ये, ए है और ये क्या है, ये ए है और ये क्या है, तो बी से खत्म तो बी से शुरू करो, बी क्या है बताओ, 2 और 3, मेरे भाई थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ए बी, बी से खत्म तो बी से, बी सी क्या हो गया, ये सी से खत्म तो सी से शुरू, सी इसमें क्या दिया है, 1:2, मेरे भाई आप समझ पा रहे हैं, किसी को दिक्कत तकलीफ है, मेरे बात सुनाई दे रहा सबको, वेरी गुड। तो ये हो गया 3:2, ये हो गया 2:3 और ये 1:2। मैं आपको 2 तरीका सिखाऊंगा, ये पड़ोसी वाला पहले सीख लो, ठीक, सब तैयार हैं मेरे भाई, इधर ध्यान दीजिए फटाफट, बिल्कुल बात नहीं, देख भाई आराम से जम, इसे खाली को कौन भरता है, पड़ोसी, खाली को कौन भरता है, पड़ोसी, पड़ोसी काम आते हैं मालूम, ओके। तो यहां पर इसका पड़ोसी कौन है, तो यहां 2 लिखेंगे, इसका पड़ोसी कौन है, 1, यहां और खाली है, 1, अच्छा इसका पड़ोसी कौन है, 2 और यहां भी 2, इसका पड़ोसी कौन है, 3, किसी को दिक्कत मेरे भाई, किसी को तकलीफ वहीं छोड़ दो जी, ठीक। यहां देखिए प्लीज, अभी छोड़ दीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस होगा, हम लोग पूरा इधर देखें, हम लोग को ज्यादा पढ़ने मजा आ रहा है, छोड़िए गर्मी को, ठीक है ना, यहां देखिए प्लीज,
पड़ोसी जो थे वो काम आए। पड़ोसी को दिक्कत तो नहीं। अब सुनिए, भरिए इसको, तीन दुनी छह दुनी क्या सब दो से कट रहा है? काटो दो से, तीन दो तीन छह दुनी यही ना, 3 2 3 6 समझ में आया मेरे भाई? एक मिनट ध्यान सुनना, कैसे बनाते हो वो देखो। ये तरीका समझ में आ गया? ये पड़ोसी वाला तो इजी है। ए बी, बी से खत्म बी से शुरू, सी से खत्म सी से शुरू। जो खाली है उसको वही भरेगा, जहां पर खाली है उसको वही भरेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? ओके, देखिए दूसरा तरीका, जैसे आपको बनाना है, जो मेन तरीका जैसे बनाना वो सीखिए, ठीक है? इतना बड़ा है, ठीक है ना? प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहले हम दो पिलर बनाएंगे मजबूत मजबूत। कैसे बनाएंगे पिलर? मजबूत मजबूत पिलर, ठीक? ए भाई, हाँ, कोई भी सीमेंट से बनाओ, चाहे अंबुजा से, चाहे किसी से, नहीं समझा? मजबूत जरूर बनाना, ठीक? इसे गुना करो, 3 दुनी। ये पूरा ए का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? अभी गुना करो, 3 दुनी 6 दुनी। ये डी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू हो गया, ये डी का वैल्यू, ये पहला का हो गया, ये लास्ट का हो गया। क्या किसी को फर्स्ट और लास्ट बनाने में दिक्कत? देवी और सज्जनों, किसी को फर्स्ट और लास्ट बनाने में दिक्कत है तो उठाए अपना हाथ, आराम से कॉन्सेंट्रेट, अपने एनर्जी को वेस्ट ना करें, ध्यान सुनिए। क्या ए और डी निकालने को दिक्कत किसी को? नहीं। अब यहां देखिए प्लीज, इसमें इससे गुना करके इधर गुना करेंगे, ध्यान सुना, देखो प्लीज कॉन्सेंट्रेट प्लीज। 2 दुनी और 4 एकम, यहां 4 लिख दो, फिर ऐसे 3 दुनी और ऐसे 6 एकम, यहां 6 लिख दो। देखो सुनो ए भाई, दोबारा बता रहा हूं, ये काजू वाली बर्फी बन गया, या बचपन में पतंग उड़ाए होंगे खूब, है ना? तो सुनो कैसे बनाते हैं। देखो ऐसे, यहां देखो, कभी आपने काजू वाली बर्फी काटा है? हलवा जरूर काटा हो घर में, हलवा काटा है, छुरी से चाकू से काटा है ना? ओके, ऐसे क्या ये उसी शेप में है? तो ऐसे करते हैं, 2 दुनी 4 एकम, ओके लिख दिया, फिर 3 दुनी 6 एकम, अब 2 से काट दो, 3 2 3 6, ये इसका रेशियो हो गया। क्या थोड़ा बहुत बनाने आया? काजू कतली बनाने आया? हलवा काटने आया? पतंग बनाने आया? तो बना के दिखाओ, मजा आएगा बाद में, पहले पढ़ो। पहले हम दो पिलर बनाते हैं मजबूत मजबूत, कोई दिक्कत? फिर इसमें इससे गुना करते हैं, फिर इसमें इससे गुना, बस हो गया। एक प्रयास करें, देखते हैं गलत होता है कि सही है, कौन जानता है। चले प्लीज, ए इज टू बी, 2 इज टू 3, बी इज टू सी, 2 इज टू 1, सी इज टू डी, 3 इज टू 2, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकाले, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकाले, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकाले, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकाले। क्या आ गया? 4 6 3 2, 1 मिनट भाई साहब, देखिए भाई, एक जुनून होता है पढ़ने का, बस बस जुनून के सामने सब नतमस्तक होता है। यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, यह है 2 दिन 4 तिहाई, ये हो गया एक का वैल्यू, 2 दिन 4 तिहाई। क्या आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं? फिर इसे 3 दुनी, ये एक का, और ये एक का, और ये, समझ में आया? बर्फी काटो, 3 दुनी
छेती एनी प्रॉब्लम, तीन दुनी छे छेती अठारह, समझ में आया? फिर तीन एकम तीन तिय नौ, एनी प्रॉब्लम? क्या ये तीन से कट रहा है? तीन चौके तीन, तीन तीन दुनी यही ना, चार छह तीन दो। क्या ये सबको बनाने आया था? किसी को दिक्कत? अब इसमें ए बी सी डी ई रहेगा तो कैसे बनाएंगे? प्लीज यहां देखिएगा ध्यान से, अभी बोलिएगा नहीं कुछ, बहुत टाइम है अभी। देखिए हमने अभी तक सीखा ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना, ठीक। आगे देखिए ए इज टू बी, थ्री इज टू टू, उनासी नहीं, आज ऐसे उनासी ना करें प्लीज, शांतिपूर्वक आराम आराम से, आपकी तकलीफ हम समझ रहे हैं, लेकिन बैठिए है। आप अपनी सभ्यता का ऐसा ना दिखाइए, ठीक है ना, प्लीज शांतिपूर्वक। आपको ये फीलिंग हो रहा है कि हम भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो हमसे ज्यादा जरूरत आपको है कि हमको? आपको है ना, आपको ज्यादा जरूरत है। हम कल भी पढ़ा सकते हैं, परसों पढ़ा सकते, लेकिन आपका आज का दिन तो बर्बाद चला जाएगा, तो प्लीज आप समझिए अपने समय को, ठीक है ना। प्लीज यहां देखिए B is to C, 2 is to 3, C is to D, शांतिपूर्वक लाइट चली गई है थोड़ा सा खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, खिड़की ओपन करो, लाइट आ गई, देखो चलिए यहां देखिए डी इश, इतना डर गए थे क्या लाइट जाते ही, ओह माय गॉड। डी इश टू ई देखिए, चलिए यहां देखिए ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई, सब तैयार हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई, जब ऐसे रहे पांच पांच तो कैसे बनाते हैं, ठीक। मैं आपको पहले सिखाऊंगा पड़ोसी के तरीके से, पहले पड़ोसी काम आते हैं, उसके बाद काजू कतली मंगाएंगे, टेंशन मतलब, ठीक है ना। यहां देखिए सब तैयार हैं, आराम से सुनिएगा, आप अपने समय का अहमियत समझते, प्लीज यहां देखिए ध्यान से प्लीज। हमने कहा, चलिए पहले आपको डायरेक्ट ले देता हूं, थ्री इज टू, अच्छा ये ए इज टू क्या है, ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे नहीं समझ पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये पांच वाला है, एक दो तीन वाला तो हम लोग हर जगह किताब में पढ़ लेते हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो थ्री इज टू टू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। किससे शुरू हुआ है? ए से, और खत्म किससे हुआ? बी से। तो बी से खत्म, तो बी से ही शुरू करना पड़ेगा। बी का वैल्यू कितना है? तो यहां लिखिए टू इज टू, किससे खत्म हुआ? सी से। तो यहां वन इज टू, और किससे खत्म हुआ? डी से। तो थ्री इज टू, मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, ठीक। हमने कहा कि ध्यान सुनेंगे प्लीज, बात नहीं करें, खाली को कौन भरता है? ये खाली है, कौन भरेगा? दो। यहां कौन भरेगा? ये वन वन वन, समझ में आया? इसको कौन भरेगा? तीन तीन और तीन, हां या ना? इसे कौन भरेगा? दो दो, और ये लो
तीन तीन, इसको दो आराम से। आज जो आप इतना खलबली मचा रहे हैं बहुत ही खराब बात है। यहां देखिए फटाफट तेजी में प्लीज, इधर देखे ध्यान से फटाफट। अब इसमें हम गुना कर करो, तीन दुनी छह, छह तियई अठारह, दो दुनी चार तियई बारह, नौ दुनी अठारह, छह छह छत्तीस और चार तियई बारह। हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन ऐसे नौटंकी आज नहीं कीजिए, प्लीज ध्यान सुनिए। हमने कहा सब किससे कट रहा है, तो काट दिए, छह ती अठारह, छह दुनी बारह, छह ती अठारह छत्तीस, छह दुनी बारह, क्या रेशियो आ गया, तीन अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात छह अनुपात दो। किसी को दिक्कत है भाई, समझ में आया? ये पड़ोसी तो आपको पहले से आ गया था, ठीक। ये देखिए जिसे बनाना है आपको एग्जाम में कैसे बनाना, वो समझिए। ये समझ में आया सबको? वेरी गुड मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा आप जरा प्लीज। सबसे पहले हम दो पिलर बनाते हैं। ए भाई यहां देखे फटाफट जी में जरा, नासी नहीं, ये ए है और ये डी है, ई है ना, ई, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। मेरे बाद ध्यान सुनेंगे सब लोग, 1% बातें नहीं, ध्यान सुनिएगा। हमें ए और ई का पहले निकालना सिखाते हैं रेशियो, ठीक। कॉन्सेंट्रेट करें, सीख नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा कौन लाइन कहां से खींच देगा पता नहीं चलेगा, फिर ध्यान रखना। तो ये ए का वैल्यू कितना होगा, तीन दुनी छह, छह तिहाई, किसी को दिक्कत भाई? ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चार तिहाई, चार तिहाई बारह। ये ए का वैल्यू है, ये ई का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू और ये ई का वैल्यू। देवी और सजनों को दिक्कत तो नहीं, ए और ई का वैल्यू को दिक्कत तकलीफ? भाई सावधान सुनना प्लीज, हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल आराम आराम से बैठे हैं और पूरा कंसंट्रेशन, नहीं तो फिर ये चीज मिस हो जाएगा, तो चैप्टर में जब आएंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, प्लीज आस पास में कोई बात भी नहीं करेंगे। देखिए तो ए आ गया, E आ गया, ठीक। अब हम B का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं, B बॉम्बे, ठीक। कैसे निकालेंगे देखो, पहले हम लोग इसमें गुना करके पूरा यहां तक लाएंगे, ठीक। दो दुनी चार, चार एकम चार, चार तिहाई, भाई मेरे समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत तकलीफ? फिर से देखो, दो दुनी चार तियई, किसी को दिक्कत? दो दुनी चार, चार तियई बारह, एनी प्रॉब्लम? समझ में आया सबको? आया, ठीक है, वेरी गुड। यहां तक तो समझ गए। फिर ऐसे तीन दुनी छह एकम और इसको यहां तक खींचना है। सावधान प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी दो मिनट प्लीज, नहीं समझ में नहीं आएगा। कैसा मैंने किया, तीन दुनी छह एकम और इसको नीचे तक ले आएंगे, पतंग का पूछ बना रहे हैं, ठीक है। तीन दुनी छह एकम, छह तियई, मेरे भाई एक मिनट शांतिपूर्वक और एकदम आराम से देखिएगा, आप सीख रहे हैं आप। देखिए कैसे मैंने कहा, तीन दुनी छह एकम, छह तियई, किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? वेरी गुड। एक मिनट, एक मिनट, देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले, सबसे पहले क्या बनाते हैं, दो पिलर, क्या बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले रुझे, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, सबसे पहले हम दो पिलर बनाते हैं, ठीक। जो पिलर बनाते हो किसका वैल्यू आता है, ये कभी भूलिएगा मत, ठीक है। जो पिलर बनाते हो किसका वैल्यू आता है, फर्स्ट और लास्ट का, ठीक है ना। जो पिलर होता है वो किसका वैल्यू होता है, फर्स्ट और लास्ट का, कोई दिक्कत? नो, वेरी गुड। ये फर्स्ट और लास्ट सबका आ गया। बाहर चल रहा क्लास ना, बाहर चल रहा है, ठीक है। यहां देखेंगे प्लीज,
एकदम सावधानी पूर्वक। बाहर चालू हो गया, देखिए फटाफट फटाफट सब जगह तैयार हैं, देखिए फटाफट फटाफट देखिएगा। अभी हम रुक गए थे, यहां देखिए फटाफट। तो हमने कहा पहले दो पिलर बनाएंगे, बना दिया, ये ए का वैल्यू और ये ई का। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? अब ऐसे करेंगे, दो दुनी, ये तीन चार लोग जो है ना यहां पर, यहां देखिए भाई साहब, जब चारों पांच लोग जाए इधर, शकल उठा के, क्लास में बातें नहीं, शांतिपूर्वक पढ़िए। यहां देखिए फटाफट, दो दुनी चार एकम, चार तियाई, बस यहां से ऐसे लाके यहां तक लाएंगे, कोई दिक्कत? पूरा कॉन्सेंट्रेट किधर, तीन दुनी छह एकम और नीचे तक छह तियाई अठारह, यहां तक सबको आ चुका था। बस आगे देखिए, तीन दुनी छह दुनी, इसको आगे बढ़ाना है, तीन दुनी छह दुनी और बस यहां मिला देना बारह तियाई। देखिए ये काजू वाली बर्फी दो चिपक गया, दो काजू नहीं चिपका होता है, एक ही में चिपका है दोनों, वैसे ना दो चिपक गया है ना। कभी कभी मम्मी कहती है एक लेना, आप उठाते हैं चिपका हुआ, दो देखो एक ही लिया है ना, एक में दो चिपका हुआ। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए इसको थोड़ा सा हम एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से, एक मिनट खेल है, एक मिनट में जान जाएंगे और एक मिनट में नहीं जानेंगे, ये ध्यान रखिएगा, कितना कॉन्सेंट्रेट है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए ऐसे, दो दुनी चार तियाई, तीन दुनी छह तियाई, फिर ऐसे बढ़ाएंगे पूरा, तीन दुनी छह दुनी बारह, बारह तियाई, कोई दिक्कत तकलीफ? आ रहा सब समझ में? वेरी गुड। अब सबको काटो, कितना से कटेगा, छह से, छह तियाई छह दुनी छह तियाई छह छह और छह दुनी, देखो ये आया कि नहीं है तब मालूम चले जब अपने हाथों से बनाएंगे। ठीक, तो प्लीज एक अपने हाथों से बनाइए। ठीक, सब तैयार हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। एक तरीका तो आपको फिक्स है दिमाग में, पड़ोसी वाला, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज जो सब हल्ला कर रहे हैं फालतू में, तो प्लीज बातें न करें, ध्यान रखिए आप लोग, आराम आराम से देखिएगा। बनाइए, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई निकालिए, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई निकाले फास्ट, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई निकाले, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई निकाले फास्ट, ए बी सी डी ई का रेशियो निकाले, तेजी में निकाले। ठीक है ना, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई निकाले, सबका आया, कोई दिक्कत? नो सर, वेरी गुड। अब यहां देखेंगे प्लीज, बातें नहीं करेंगे। ठीक है, बात ऐसा है, सबसे पहले हम पिलर बनाते हैं, कितना हो गया 16 है भाई, और यहां से बनाए तीन तीन नौ तियाई, फर्स्ट और लास्ट में कोई दिक्कत? वो क्या कर रखा है, उसको सही करो, ऐसी 36 नहीं। ठीक, तो हमने कहा ए और ई निकालने में कोई दिक्कत किसी को? फिर ऐसे पतंग बनाते हैं ना, चार तियाई बारह दुनी चौबीस, चार ती बारह, बारह दुनी, कोई दिक्कत?
ऐसे तीन तिय नौ एकम और नौ दुनी, फिर ऐसे इसको तीन तिय नौ तिय सत्ताईस दुनी, क्या सब कटा? नहीं, जब ना कटे तो छोड़ देंगे। ये बनाने आए सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब देखिए तीन तीन करके दे, आराम आराम देखिएगा, बातें नहीं कीजिएगा। अभी दिया है दो दो करके दिया, अब तीन तीन करके दो तो कैसे बनाएंगे? ठीक, एग्जाम में ए बी सी डी और ई तक ही आने का पूरा चांस होता है। ई तक, कहां तक? ए बी सी डी ई। यदि इन केस कभी अजमा दिया ई के बाद एफ भी, तो यदि ऐसे ना आए तो कम से कम पड़ोसी वाला मेथड तो आएगा, जिससे खत्म उससे शुरू, लेकिन आएगा नहीं। लेकिन यदि आ जाए, कभी किस्मत खराब हो, तो ऐसे केसेस में पड़ोसी को याद करना, ठीक है, और पड़ोसी से बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब तीन तीन वाला हो तो कैसे बनाते हैं, प्लीज, ये सब बेसिक है, चैप्टर में आने से पहले सब समझाना बहुत जरूरी होता है, नहीं सीखेंगे फिर उसके बाद बहुत दिक्कत होगा। सब कुछ आएगा, बनाने नहीं आएगा बस। देखिए सब तैयार हैं, देखिएगा, ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू थ्री इज टू टू इज टू फाइव। अब मैं आपको सिखा रहा हूं तीन वाला, ऊपर भी तीन और नीचे भी तीन, ठीक, बी, ठीक है भाई, ठीक है, सी डी ई कर देता हूं, सी डी और ई, ये भी पांच हो जाएगा, ठीक। पहले आप समझिए, समझा रहा हूं पहले आपको, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। टू इज टू थ्री इज टू वन, सब लोग तैयार हैं, बहुत अच्छा। यहां देखिए और शांतिपूर्वक यहां देखेंगे, एकदम शांति पर सहयोग करें। चलिए सब तैयार हैं, ए इज टू बी इज टू सी, सी इज टू डी इज टू ई है। इसे दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक, दो मिनट कॉन्सेंट्रेट करें, आराम आराम से, एकदम दो मिनट सीख जाएंगे बात, ठीक। तैयार हैं सब लोग? बहुत दुख की बात है, आज तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है, आप लोग इतना सहयोग करें बहुत बड़ी बात है, कि शांति पूर्वक पढ़ें तो कम से कम। यहां देखिए और यहां देखे जरा फटाफट, देखिए बात ऐसा है कि ये बताता हूं पहले पड़ोसी वाले मेथड से, ठीक है, तीन दो पांच, ये है ए बी सी, क्या है ये, किससे खत्म हुआ है, तो शुरू किससे होगा, ओके, सी कितना है भाई, टू थ्री वन, टू थ्री वन, यस, हाँ या ना, ओके, वेरी गुड। तो ये पड़ोसी वाला मेथड है, मतलब सी से खत्म हुआ है तो सी से, समझ में आया? अच्छा, इसे कौन भरता है? पड़ोसी भरता है। चलिए पड़ोसी जी यहां क्या है, दो है ना, दो दो लिखिए, यहां का पड़ोसी कौन है, पांच है, तो पांच पांच, ये लाओ, छ चार दस पंद्रह पांच, ये इसका रेशियो क्या, छ चार दस पंद्रह पांच, क्या रेशियो है, छ चार दस पंद्रह, छ चार दस पंद्रह, कोई दिक्कत तकलीफ, क्या पैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? सुनिएगा ध्यान से प्लीज, फटाफट यहां पर बिल्कुल आराम से, क्या हैं सब लोग, ठीक है। बात ऐसा है मेरे भाई,
आराम से सुनिएगा, तैयार हैं? ये तो बहुत सिंपल था कि सी से खत्म तो सी से शुरू, पड़ोसी भर दिया दोनों तरफ, ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? आप इसे कैसे बनाएंगे थोड़ा सुनना चाहते हैं? प्लीज यहां देखिएगा, कैसे हम लोग ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई कैसे निकालेंगे, एक मिनट में समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। सब तैयार हैं? ये क्या है सी, ये सी से इन तीनों में ऐसे गुना कर दें, कर दिए, करो, तीन दुनी दो दुनी पांच दुनी, कर दिया, ये तीनों फूल, ये इसका भी फूल, अब इससे इन दोनों में खाली गुना कर दे बस, पांच तिहाई पांच एकम, रेशियो हो गया। मेरे बात समझ में आया? फिर से देखेंगे, ये सी से ए बी सी में गुना कर दिया, तो ए बी सी में गुना हो गया था, किसमें बच गया, डी और ई बच गया ना, तो इस सी से इस डी में और ई में करेंगे, ये सी से ए बी सी में कर दिया और ये सी से डी और ई में कर देंगे, ठीक, नीचे से ऊपर गुना करेंगे, ऊपर से नीचे गुना करते, इससे दोनों में करेंगे और इससे भी दोनों में करेंगे, ठीक, ये रेशियो तैयार। क्या बना सकते हैं? एक प्रयास करें, देखते हैं क्या गलत होता क्या सही। हीरो मत बनो, बैठा ना, जब फटाफट आराम आराम से, बिल्कुल तैयार हैं सब लोग? ए इज टू बी इज टू सी, सी इज टू डी इज टू ई, बस छोड़ रहा हूं थोड़ा सा रुक जाओ, ये सबको दिखाई दिया, वेरी गुड। बोलिए क्या आंसर है एबीसीडी का? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई का रेशियो, ए बी सी डी ई का रेशियो क्या है, ए बी सी डी ई का रेशियो क्या है, ए बी सी डी ई का रेशियो क्या है, क्या गया 12 9 6 2 ऐसा, ठीक है। इस तीन से देखो, कुछ लोग जो है ना वो पढ़ने वाला नहीं है, उसको जो है बहाना चाहिए बदमाशी करने का। आराम से देखिए ध्यान से, उनका कभी दिक्कत आएगा नहीं क्योंकि बनाता ही नहीं है। चार तियाई तीन तियाई तीन दुनी, कर दिया, अब इस दोनों को खाली है, इसको किससे करेंगे, दो एकम दो दुनी, तो रेशियो 12 9 6 2 4, मेरे बात समझ में आया ना?